A Dalit school teacher was forced to clean school toilet by the principal during the inspection in Madhya Pradesh Videsha district. Narrating the incident, the victim teacher said that school principal Radha Yadav came for school inspection, during which she forced him to clean the toilet. The victim said that principal's husband took pictures and posted them on WhatsApp. School में आने के बाद बोले सोच जाना है शौचालय कहाँ है मैं कहा मैडम शौचालय जो है साइड में है प्रभारी से बोले आप निरीक्षण लिखें तो वो निरीक्षण लिखने लगे तो शौचालय में जाने के बाद बोले शौचालय बहुत गंदा है साफ करो मेरे से मैं कहा मैडम मैं तो साफ नहीं कर रहा हूँ बोले क्यों नहीं साफ करोगे साफ करना पड़ेगा मैं कहा किसी से साफ करवा लूंगा मैडम बोले नहीं साफ करना पड़ेगा तो मैं दवा में आकर तो साफ कर दिया और उनके पति ने जो है फोटो खींच गया और व्हाट्सएप पे डाल रखा है मामला मेरे संज्ञान में भी आया है उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनके द्वारा उनसे शौचालय की सफाई करवाई गई है परंतु दूसरी तरफ जो प्राचार्य हैं उनका कहना है कि उनके द्वारा कोई शौचालय की सफाई नहीं कराई गई है सिर्फ वो शौचालय साफ कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि शिक्षक अपने यहाँ के शौचालय साफ करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि ये अच्छा काम सफाई साफ सफाई कर रहे हैं तो इस प्रकार से उनके द्वारा ये अपनी सफाई में बताया गया है डीओ से मैंने इस संबंध में चर्चा की थी तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है परंतु चूँकि ये मामला किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद उस पर जो भी कार्रवाई है समुचित कार्रवाई की जाएगी The incident came into light after the pictures of the teacher got viral on social media.